स्टालिन ने जिस तरह से सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी की है, ये माफ करने योग्य नहीं है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, उन पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी, क्योंकि स्टालिन ने जो भाषण पढ़ा वो लिखित भाषण था और जो कॉन्फ्रेंस था उसका उद्देश्य था सनातन धर्म को इरेडिकेट करना, इसमें सुधार करना नहीं। ये जो महागठबंधन है ये NDA के खिलाफ में, वो हिंदू धर्म विरोधी है। एक और लालू यादव हैं जो राहुल गांधी के साथ मिलकर मटन पकाते हैं, मटन खाते हैं। लालू यादव थावे के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और राहुल गांधी अपने को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं और सावन के पवित्र महीने में मटन बनाकर खा रहे हैं और खा ही नहीं रहे हैं। लेकिन जो बैठक हुई मुंबई में उसका निष्कर्ष क्या निकला? कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन लोग हैं? जो बड़े कन्नीय लोग हैं वही लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी में, ना तो लोगों वो लोग लॉन्च कर पाए, ना ही कोई मिनिमम प्रोग्राम बना पाए, ना अगली बैठक की कोई डेट तय कर पाए। तो क्या परिणाम क्या निकला? ये जो उनकी जिस तरह से स्टालिन के बेटे ने जवाब दिया है, क्या कहेंगे? और उसका समर्थन भी कई लोग कर रहे हैं। तो देखिए, एक सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू समाज को अपमानित किया जा रहा है, ये अचानक नहीं हुआ है। क्योंकि स्टालिन ने जो भाषण पढ़ा वो लिखित भाषण था और जो कॉन्फ्रेंस था उसका उद्देश्य था सनातन धर्म को इरेडिकेट करना, इसमें सुधार करना नहीं। ये जो महागठबंधन है ये NDA के खिलाफ में, वो हिंदू धर्म विरोधी है, हिंदुओं को अपमानित करना। एक और लालू यादव हैं जो राहुल गांधी के साथ मिलकर मटन पकाते हैं, मटन खाते हैं। लालू यादव थावे के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और राहुल गांधी अपने को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं और सावन के पवित्र महीने में मटन बनाकर खा रहे हैं और खा ही नहीं रहे हैं, उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? और फिर स्टालिन ने जिस तरह से सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी की है, ये माफ करने योग्य नहीं है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, उन पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आपराधिक घटनाएं हाल के दिनों में बढ़ी हैं। अभी नालंदा में RCP गोली मार दी गई, सिर्फ इस बात को लेकर कि RCP सिंह के साथ तुम क्यों जाते हो? मेरी RCP सिंह से बातचीत भी हुई है, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गोली चलाई ये वो लोग हैं जो RCP सिंह की गतिविधियों का विरोध कर रहे थे, कि क्यों इतना सक्रिय, और वो जो कार्यकर्ता जो व्यक्ति जिसको गोली लगी है वो उनके कार्यक्रमों को आयोजित कर रहा था। तो देखिए, जब से राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश जी का गठबंधन हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। पिछले एक साल में 150 से ज़्यादा घटनाएं हैं जिसमें पुलिस पर हमला हुआ है, शराब माफिया के द्वारा या जो बालू माफिया उनके द्वारा। तो लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि लोग अब पुलिस की परवाह नहीं करते हैं। और अपराधी इसलिए, अपराधियों को चूंकि संरक्षण मिला हुआ सत्ता का, उसी का परिणाम है कि RCP सिंह के परिवार के एक सदस्य पर हमला होता है, आए दिन घटना घट रही है, गवाहों को मारा जा रहा है। जो ये एक पत्रकार की जो हत्या हुई अररिया में, विकास क्या था, वो गवाह थे, चूंकि गवाह हैं, समस्तीपुर में जो घटना घटी तो गवाहों को मारा जा रहा है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता उनकी हत्या की जा रही है। तो जब से राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन बना है, तब से दिन पर दिन बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। गठबंधन की बैठक आगे बढ़ रही है, बात भी बढ़ रही है, लेकिन JDU का एक विधायक कहता है कि लालू यादव सठिया गए हैं, राहुल गांधी में ऐसी क्या योग्यता है, कहाँ कोई बात बनी है? देखिए, उसने जो कहा वो गलत तो नहीं कहा, ये बात अलग है कि सहयोगी दल का विधायक नहीं कहना चाहिए। लेकिन जो बैठक हुई मुंबई में उसका निष्कर्ष क्या निकला? कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन लोग हैं? जो बड़े कन्नीय लोग हैं वही लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी में, ना तो लोगों वो लोग लॉन्च कर पाए, ना ही कोई मिनिमम प्रोग्राम बना पाए, ना अगली बैठक की कोई डेट तय कर पाए। तो क्या परिणाम क्या निकला? ये जो उनकी जो महागठबंधन है या जिसको जो भी वो नामकरण करें, तो ये लोग नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने चले और एक मैनिफेस्टो नहीं निकाल सकते हैं, किस एजेंडा पर हम नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे उसको ही तैयार नहीं कर पाए, लोगों तैयार नहीं कर पाए। तो यानी जो बैठक हुई है वो तो पहले ही दौर में वो बैठक टाइम फिस हो गई, उसका ना तो कोई परिणाम निकला है ना कोई निकलने वाला है। पहली बैठक से अरविंद केजरीवाल बायकॉट कर चले गए, दूसरी बैठक में नीतीश कुमार बेंगलोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए, और इस बैठक में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। ये तो इनका हाल है। ठीक है।